the spoken English tutorial, guys. I hope you'll be fantastic. So this video is going to be a very interesting because today we are going to learn some special uses. This is very useful for spoken English, guys. If you want to make your spoken English better, so please watch this video and please watch this video. So without waste any single moments, let's come on the topic. So today is our topic is that आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. इसका हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम जब कहीं पे जाते हैं सो वी डोंट हैव अ आइडिया दैट हम इसे यहाँ पे क्या है या वहाँ पे क्या है. सो हमें नहीं पता होता तो हम लोगों से पूछते हैं कि ये कहाँ पे है. सो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोले. गाइस हैव अ आइडिया. ओके आई टेल यू दैट. जैसे अगर हमें कहना हुआ क्या यहाँ पे कोई होटल है तो हम इसे कैसे कहेंगे. तो अगर हमें कहना हुआ कि क्या यहाँ पे कोई डॉक्टर है सो हैव अ आइडिया दैट हाउ कैन से. ओके आई टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सीन देयर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज देयर इज देयर एनी एंड देन यू हैव टू यूज देयर नाउन. नाउन यू नो दैट गाइस द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन. एंड इफ इज सिंपल लैंग्वेज अगर हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं जिन भी चीज़ों का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं. ओके एकदम सिंपल सा. तो जैसे अगर हमें कहना हुआ कि क्या यहाँ पर कोई होटल है सो गाइस हम कैसे कहेंगे. वी कैन से दैट इज देयर एनी होटल. ओके एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट क्या यहाँ पर कोई स्टेशन है. Guys, have idea that how can say that? If we can say that, we can say that is there any station? Okay, is there any station? Okay. Next example हम देखते हैं. जैसे अगर हमें कहना हुआ क्या यहाँ कोई डॉक्टर है तो हम कैसे कहेंगे. हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं is there any doctor? या फिर अगर हमें कहना हुआ कि क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है तो हम कैसे यूज करेंगे. We can use that. Is there any hospital? या फिर अगर हमें कहना हुआ क्या यहाँ पे कोई स्कूल या कॉलेज है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. हम इसी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. इस स्ट्रक्चर की थ्रू यूज़ कर सकते हैं. Is there any school or colleges? Okay. This is the very simple and बहुत ही ज़्यादा important है. बहुत ही ज़्यादा useful है. बहुत ईजी है बट इसके यूज़ बहुत ही ईजी है बट इसके यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा है गाइस. बहुत ही ज़्यादा है. अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 100% से और यू कैन मेक योर स्पोकन इंग्लिश बेटर. ओके सो आइए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल. जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए था. कैसे ऐसे कहते हैं ना. और अगर हम कहते हैं हम बहुत सारे लैंग्वेज में हम बहुत बारी कहते हैं कि आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी या फिर हम कहते हैं कि आपको उसे मारना नहीं चाहिए था तो हम कैसे कह सकते हैं. गाइस हैव अ आइडिया. वी कैन से दैट हियर यू कैन यूज सीन दैट दिस इज द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज दैट यू शुडंट मींस दैट यू शुड नॉट. एंड आफ्टर दैट हैव एंड देन यू हैव टू यूज दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स. आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से. ओके जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई कि आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए तो हम कैसे यूज कर सकते हैं. गाइस हैव आइडिया दैट हाउ वी कैन यूज दैट. वी कैन यूज दैट यू शुडंट हैव गॉन विद हर. ओके अगर हमें कहना हुआ कि आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी सो हाउ वी कैन से दैट You shouldn't have abused him. Okay. अगर हमें कहना हुआ आपको उसे मारना नहीं चाहिए था तो हम कैसे कहेंगे. We can use that you shouldn't have beaten him. Okay. So guys, this is a very, very, very useful rules and बहुत ही ज़्यादा बोले जाते हैं. Normally इसके बहुत ज़्यादा uses हैं. So guys, if you have any kinds of problem according to related to computer and spoken English, so write in my comment box and send me. I will give you the solution of. Okay, so guys, I hope you enjoy this video. We will meet our next video. Till